हेलो स्टूडेंट, आई एम पिनल गरासिया फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। इन ईवीएस सब्जेक्ट लास्ट वीडियो में हमने हमारा न्यू चैप्टर चैप्टर 4 आवर फूड स्टार्ट किया था। आज हम बाकी का कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आप बताओ बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है? चपाती, राइस, ब्रेड, दाल, वेजिटेबल्स, ये सब संतुलित आहार है। और उनमें से हमें क्या क्या मिलता है? प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, स्टार्च, ये सब हमें संतुलित आहार अगर हम खाते हैं तो हमें उनमें से मिलता है। तो आज हम बाकी का कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे यहाँ फूड को कुक करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे यहाँ पे हमें पिक्चर के थ्रू दिखाया है डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फूड। यहाँ बेकिंग, माइक्रोवेव में बेकिंग, बेक कर रहे हैं। फ्राइंग, पूरियाँ हम फ्राई करके खाते हैं, है ना। फिर बॉइलिंग, उबाल के खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। बॉइलिंग एंड रोस्टिंग, डायरेक्ट चूल्हे चूल्हे पे पकाने का जो तरीका है उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे है, डू यू नो, फूड दैट वी ईट शुड बी कुक्ड बिफोर ईटिंग। फूड जो होता है वो खाने से पहले हम पकाते हैं। सर्टेन वेजिटेबल्स लाइक कैरट्स, ककुम्बर, रेडिश, कैबेज एक्सेट्रा कैन बी ईटन रो विदाउट कुकिंग। ये जो है कैरेट, ककुम्बर, रेडिश, कैबेज, ये हम बिना पकाए भी खा सकते हैं सलाड बना के, है ना। तो सलाड्स आर अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर मील। हमारे खाने में सलाड का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। सलाद हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, इट कंटेन्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मिल्क कंप्लीट फूड है, मिल्क में से हमें सभी विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, इसीलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं। Some important guidelines: always wash the vegetables before cutting and cooking them. हमें हमेशा vegetables, fruits अगर हम purchase करके लाते हैं तो हम अगर उसे पकाने के लिए direct use नहीं करेंगे। हमें क्या करना है? First of all हमें सब्जियाँ, fruits, ये सब पहले वॉश करना है, फिर ही हमें उसे यूज करना है, ठीक है। वी शुड ईट फूड आफ्टर सर्टेन ब्रेक्स। हमें फूड कंटिन्यू ऐसे खाते ही नहीं रहना चाहिए, खाते वक्त हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको खाने के टाइम मेंशन किए हैं, तो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम कितने बजे का होना चाहिए? ब्रेकफास्ट हमें 10 AM 10 बजे हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। लंच, लंच हमें कितने बजे लेना चाहिए? 1 o'clock। दोपहर को 1 o'clock को हमें अपना लंच लेना चाहिए। फिर डिनर, डिनर का टाइम कौन सा बताया है हमें? 9 o'clock, 9 PM यानी रात को 9 o'clock होते ही हमें अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए।
और स्नैक्स एंड मिल्क जो हम कितने बजे ले सकते हैं, 5 बजे, 5 o'clock। हमें 5 o'clock होते ही दूध पीना चाहिए और थोड़ा सा नाश्ता कर लेना चाहिए, ठीक है। वी शुड ईट आवर फूड एट अ फिक्स्ड टाइम एवरी डे। हमें अपना फूड जो है, हम जो खाते हैं, उनका टाइम प्रॉपर यानी फिक्स होना चाहिए। वी शुड नाइदर ओवर ईट नॉर वेस्ट आवर फूड। हमें ओवर ईट भी मतलब ओवर ईट भी नहीं करना है और हमें फूड को वेस्ट भी नहीं करना है। ऑलवेज ईट कवर्ड एंड फ्रेशली कुक्ड फूड। हमें खाने को हमेशा कवर करना चाहिए और फ्रेश फूड ही खाना चाहिए। ईट योर फूड इन अ क्लीन प्लेस। हमें खाना क्लीन प्लेस, गंदी जगह पे बैठ के नहीं खाना चाहिए। क्लीन प्लेस, हमारे आजू बाजू, हमें हमारा जो जो एरिया है वो क्लीन रखना चाहिए। हम जहाँ पे भी खाना खाएं वो एरिया क्लीन होना चाहिए। इट शुड बी सर्व्ड इन क्लीन यूटेंसिल्स एंड ऑन अ क्लीन प्लेट्स। और हमें फूड जो है वो हम जिसमें भी ले, जो भी बर्तन यूज़ करें, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, एंड ऑन अ क्लीन प्लेट, और हमारी जो प्लेट हो, डिश हो, वो भी क्लीन होनी चाहिए। हमें खाते वक्त बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए और बहुत बार चबाने के बाद खाना है। ऐसे ही फास्ट फास्ट खा के निकल नहीं लेना है, ठीक है, नहीं तो पेट में दर्द होता है ना, होता है ना, तो इसीलिए हमें चबा चबा के खाना चाहिए। हमारा फूड क्लीन होना चाहिए, तुरंत पकाया हो, बासी खुराक नहीं खाना चाहिए। खाने से पहले हैंड वॉश करना है, खाने के बाद हैंड और माउथ वॉश करना है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चू योर फूड प्रॉपरली एंड डोंट टॉक वाइल ईटिंग योर फूड। हमें खाते वक्त कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए और बहुत अच्छे से प्रॉपरली फूड को च्यू करना चाहिए। ऑलवेज बी इन अ प्लीजेंट मूड वाइल ईटिंग योर फूड। हम खाते हैं तो हमें रोना नहीं चाहिए, मम्मा को जबरदस्ती खिलाना पड़े ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी मम्मा जो आपको परोसते, आपको हंसते हंसते खाना चाहिए। अवॉइड वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग योर फूड। ये तो सभी बच्चों की कंप्लेन होगी कि खाते वक्त सभी बच्चे टीवी देखते होंगे। इट इज़ बैड मैनर। आपको खाते वक्त सिर्फ क्या करना है, सिर्फ खाना है, टीवी आप खाने के बाद देखना, ठीक है। ईट योर मील्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स। आपको खाना अपने मेम्बर्स के साथ बैठ के खाना है। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील्स। आपको आपका हैंड वॉश खाने से पहले भी करना है और खाने के बाद भी हैंड वॉश करना है। हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। वी कैन डू अवर वर्क प्रॉपरली ओनली इफ वी आर फिजिकली फिट एंड हेल्दी। हम हमारा कार्य जो है वो हम प्रॉपरली तभी कर सकते हैं जब हम फिजिकली फिट और हेल्दी हो। हेंस अ हेल्दी माइंड इज देयर ओनली इन अ हेल्दी बॉडी। हमारा हेल्दी माइंड भी हेल्दी बॉडी में कंसिस्ट करता है। अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारा माइंड भी हेल्दी होगा, हमारे माइंड में थॉट भी अच्छे अच्छे आएंगे अगर हम हेल्दी होंगे। नेवर वेस्ट योर फूड। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन अवर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड हु डोंट गेट इनफ फूड टू ईट। हमें हमारा खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे देश में और बाहर दूसरे कंट्री में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त की तो क्या, कभी तो खाना भी नहीं मिलता, और हमारे यहाँ तो सभी को अच्छा अच्छा खाना मिलता है, तो हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना।
वी हैव नो राइट टू वेस्ट इट ऑलवेज हेल्प नीडी एंड पुअर पीपल गिव चैरिटी रादर देन स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड पार्टीज. हम फूड और मनी कैसे वेस्ट करते हैं? अगर हमारी बर्थडे आए तो हम कैसे करते हैं? चलो केक केक कट किया, फिर मुंह पे लगाते हैं, क्लोथ्स पे, हेयर पे, सभी पे. मतलब खाने की बजाय हम क्या करते हैं, सभी केक को वेस्ट करते हैं मुंह पे लगा के. तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए. केक अगर कट कर ही रहे हो तो ठीक बात है, लेकिन वेस्ट नहीं करना है. सभी को मिल बांट के खाना है, उसे ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. और अगर आप अपना बर्थडे ही सेलिब्रेट करना चाहते हो तो किसी एक ही आप एक ही पर्सन को हेल्प करोगे किसी भी तरह, तो आपका बर्थडे बहुत अच्छा हो जाएगा. वो आपको कितनी ब्लेसिंग्स देगा, तो अच्छा होगा ना. तो इसके इसीलिए अगर हमारी बर्थडे पे केक को वेस्ट ना करते हुए वही मनी या कुछ और तरह से आप किसी को थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हो तो वो आपको करनी चाहिए, है ना. तो आज आप क्या करेंगे, आपको ये चैप्टर रीड करना है. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी की एक्सरसाइज करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.